हेलो हेलो हेलो, सलाम नमस्ते आदाब, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज दोस्तों संडे है तो फन करना तो बनता है ना गाइस। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चिकन तंदूरी की रेसिपी, जो कि आज हम बना रहे हैं। काफी दिनों के चिकन खाया नहीं था, तो आज तंदूरी चिकन बन रहा है। खुद भी खाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कैसा टेस्ट आ रहा है। तो गाइस, बोनलेस चिकन आ चुका है। हम बोन्स वाला नहीं खा रहे हैं क्योंकि मजा नहीं आता है। और ये रहे मसाले, और ये मैरिनेशन का सामान देखिए आप तैयार है। दही है, ये चटनी है, ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो जसिंटा दी, आप जरा बताएंगे कि तंदूरी चिकन आप कैसे बनाने वाली, क्या क्या आपने प्रिपरेशंस कर ली हैं? हाँ बिल्कुल बताती हूँ मैं तुम्हें। ये मैंने चिकन वॉश करके रख दिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। उसके बाद और ये दही है, दही को भी मैंने इसका पानी निकाल दिया है, जिसे मुझे थोड़ा थिक चाहिए था तो इसलिए मैंने ये किया है। ओके। उसके बाद ये जो प्याज है मैंने इसे डीप फ्राई किया है, और उसके बाद पेस्ट बना दिया है इसका। और ये चिली है, और इसके साथ हमने थोड़ा धनिया ऐड करके इसका भी पेस्ट बना दिया है। ग्रीन चिली जितने आपको चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं देखो इसमें मसाले डाल दिए हैं। ये आपका है चाट मसाला पाउडर, ये आपका गरम मसाला पाउडर, ये आपका रेड चिली पाउडर, ये आपका ब्लैक पेपर पाउडर, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है आपका लेमन जूस जितना आपको चाहिए। क्या बात है, देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मैम आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेट तो हमसे बिल्कुल भी हो नहीं रहा। आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी कि अपना अच्छा डालने वाले चीजें, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब मैं इसमें सारे ना मसाले ऐड कर रही हूं। ठीक है, ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ये सब मैरिनेशन में जा रहा है। और ये चाट मसाला है, ये भी डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद ये आपका लेमन जूस है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा जो हमने ये पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और धनिया का, ये भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था ये भी डाल देंगे। ठीक है, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अरे अभी तो तुम देखो जब रेडी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मैरिनेशन के लिए रखेंगे कुछ देर के लिए, फिर देखते हैं। तो गाइस अभी मैंने आपके साथ शेयर किया क्या क्या इसमें मटेरियल यूज करने वाले। गाइस सीरियसली मुंह में पानी आ गया सब देख के। गाइस तंदूरी चिकन तो बाहर से भी खाया जा सकता है, लेकिन हमें पता है आजकल काफी मिलावट चल रही है। और माहौल को बाहर का देखते हुए, क्वारंटाइन को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, हमने सोचा हम घर में ही बनाएंगे। और घर में जब हम रियल इस्तेमाल कर सकते हैं सामान, और अपना मेहनत से, आपको पता ही जब खुद का मेहनत से बनाते हो सामान ऐसा बनता है, और उसमें चार साल लग जाते हैं, और अगर आपकी बीवी बना रही हो तो। तो आगे का जो प्रोसेस है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, प्लीज बी विद। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था। हमारा तंदूरी चिकन ग्रेवी तैयार है, आइए आपको दिखाता हूँ दिखने में कैसा लग रहा है। हाँ, गाइस देखिए धुआं निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी धुआं बिल्कुल गरम गरम बना। और गाइस देखने से आप समझ पा रहे होंगे, मुंह में पानी आ गया। अब हम करेंगे इसको टेस्ट और आपके साथ शेयर करता हूँ बना कैसा है। रुक जाओ बता रहा हूँ गाइस, फेल मार्केट फेल, इतना टेस्टी बनाना गाइस कि मन करा 1.5 किलो तो खाए जा बंदा। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कुछ जानवर नहीं हूँ, लेकिन टेस्टी इतना बना तो उसके रेफरेंस में कह रहा हूँ कि भैया ये 1.5 किलो भी खाया जा सकता है। तो अब हम ले रहे हैं इसका आनंद, रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, आप भी इसको अपने घर में बनाएं क्योंकि आज है संडे यानी फन डे। तो आप भी अच्छा अच्छा खाना अपने घर में बनाएं और खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तब तक के लिए अब हमें विदा लेते हैं और आपके साथ नए वीलॉग के साथ जल्दी लौटेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हो तो हमें कमेंट भी शेयर कर सकते हो, कमेंट भी भेज सकते हैं। और गाइस प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, टेक केयर।